बात मासूमियाँ है। जैसे तो आपको अक्सर हजरत सुनाया करते थे मजलिस में, अक्सर बेशक इस बिना पर जो भी मतलब मनमून होता है मैं देखता हूँ तो उसी को सुना देता हूँ। मुझे भी इससे फायदा होता है। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के तालीमात हदायत पर हम सबको अमर की तौफीक होता है। ख्वाजा मोहम्मद मासूम के 7,000 खलीफा थे जी, दुल्ला 7 मालूम हुआ कि हजरात बराबर तालीम और तरबियत का काम करते थे, तभी तो लोग जमा होते थे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, तरीके हक को एक के इजहार की, तारीफ की, बल्कि उस पर अमर की तौफीक। बहुत कम जगह ही पड़ा है मुझे, दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद हमदो सलात। हजरत माज इब्ने जबल से मरवी है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कुछ दूर चले। यूं फरमाया है कि माज मैं तुझे तक्वल्लाह, सिद्ध के कलाम, वफाए अहद, अदाए अमानत, तर्क खयानत, रहम बर यतीम, हिफाजत हमसाया, जब्त गुस्सा, नरमी कलाम, बदले सलाम, तफक्कुफ कुरान, हुब आखरत, खौफ हसाब आखरत को कोताही आरजू, हुसन अमल की वसीयत करता हूँ। ये है हमारे बुजुर्गों की तालीमात। हमारे हजरत बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास किताब थी, लेकिन वो फारसी में नहीं सुनाते, परेशान थे, कोई भी हो सुनाते रहते थे। ख्वाजा मोहम्मद मासूम के 7,000 खलीफा थे। कैसी की तालीम थी, कैसी तरबियत थी, हर आदमी को पढ़ता हूँ इबरत होती है। बहुत ज्यादा आयश इशरत वगैरह में नहीं थे, सादगी के साथ रहे, जिंदगी गुजार दिया। अल्लाह हम सब लोगों को बातनी नेमतों से नवाजे, अल्लाह हर किस्म की आफियत अता फरमाए। सिलसिला है जो हमारे बुजुर्गों का सिलसिला है वो चलता रहे। भाई किताबों का पढ़ना चूंकि आदत का मामूल रहा है, इस वजह से हम लोग वही देखे हुए हैं, खुद भी प्यार करते बहुत शान से, लेकिन अक्सर तो किताबें सुनाते थे। हजरत माद इब्ने जबल से मरवी है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कुछ दूर चले और यूं फरमाया कि ऐ माद मैं तुझे तक्वल्ला, सिद्ध के कलाम, वफाए अहद, अदाए अमानत, तर्क खयानत, रहम बर यतीम, हिफाजत हमसाया, जब्त गुस्सा, नरमी कलाम, बदले सलाम, लुजूम इमाम, तफक्कुह फिल कुरान, हुब आखरत, खौफ हिसाब आखरत, कोताही आरजू, उसी अमल की वसीयत करता हूँ। ख्वाजा मोहम्मद मासूम बहुत सुनाते थे, बहुत सुनाते थे। अब जाहिर इसके याद नहीं है, लेकिन किताब तो यही रहती थी,
मजलिस इतनी चीजों को एक जगह जमा कर दिया, वह जो अमल करना है हमको उस सब की फेरिस्त दे दिया इन चीजों को। मेरा हाथ पकड़ा और कुछ दूर लेकर चले, यूं फरमाया, ऐ माज मैं तुझे तकवल्ला सिद्ध के कलाम वफाए आहद अदाए अमानत तर्क खयानत रहम बर यतीम हिफाजत हमसाया ज़ब्त गुस्सा नरमी कलाम बज़र सलाम लुजूम इमाम तफ़क्कुह क़ुरान हुब आखरत खौफ हिसाब आखरत कोताही आरज़ू हुस्न अमल की वसीयत करता हूँ। सब पूरे बाब है कि मुस्तहज़ा था तभी तो लिखा उन्होंने, ये चीज़ें भी मुस्तहज़ा रहनी चाहिए काम करने वालों को। अल्लाह ताला जब मुस्तहज़ा रहेंगे तो खुद भी तो कुछ अमल करेगा। अल्लाह ताला हमारे हजरत वगैरह बहुत सुनाते थे किताबों, इस किताब को यही रहते हैं, लेकिन उर्दू में नहीं थी, फारसी में थी। बड़े अंदाज से सब बड़े बड़े लोग बैठे रहते थे, सुनाते ही रहते थे। अल्लाह 7,000 खलीफा थे और मैंने देखा इक्तसादी हालत कम थी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वसात ले लेते, मैंने खातर से देखा भाई वसात इसी में सब काम किया है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन की तरीक की खिदमत की तौफीक बरहमत फरमाए। हमारे अंदर के अंदर खूब जल्द था, बयान करते वक्त समझते थे कि बस वक्त आ गया है, जो कुछ बयान करना हो करो, ऐसा अंदाज होता था, ये भी सुना दो वो भी सुना दो, ताकि उलमा भी इन उलूम से आश्रा हो जाए। अल्लामा वगैरह भी रहते थे लेकिन सुनाते अरब भी करते थे, कहते भी थे, लेकिन जब सुनाने को लोग कह देते थे तो फिर सुनाते थे, सरकारी शाम हो जाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को बुजुर्गों के तरीकों को समझने उस पर चलने की तौफीक बरहमत फरमाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कुछ दूर चले गए और यूं फरमाया, ऐ मान मैं तुझे तकवल्ला पूरी फहरिस्त है मेरे साहब, तकवल्ला सिद्द के कलाम वफाए आहद अदाए अमानत तर्क खयानत रहम बर यतीम हिफाजत हमसाया ज़ब्त गुस्सा नरमी कलाम बद्र सलाम लुजूम इमाम तफ़क्कुह क़ुरान हुब आखरत खौफ हिसाब आखरत कोताही आदू और हुस्न अमल की वसीयत करता हूँ। पूरी तफ़सील ही दे दी है, इसी पर अमल करना तारीख है। 7,000 खलीफा थे इनके, ख्वाजा मोहम्मद मासूम मुजद्दिद साहब के, हजरत हमारे कहते थे कि मुजद्दिद साहब के उलूम में जो कुछ कमी रह गई थी उसको पूरा किया इन्होंने, उनके साहबजादे ने पूरा किया। अल्लाह हम लोग के अंदर भी सलाहियत पैदा फरमाए, खुद उस सही पर रहें चलें, दूसरों को भी हिदायत करें। बहुत कोताही है, बहुत कमी है, मैं अपने बदले भी कहता हूँ, मरने का वक्त है, कोताहियाँ हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़ा और कुछ दूर चले गए, यूँ फरमाया कि ऐ माद
मैं मुझे तकवल्ला सिद्ध के करा बुरी फिर इसी है मारा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इसको शुमार कर सकते थे। अब किताब देख के थोड़े पढ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बारह पढ़ा चुका थे। मैं तुझे तकवल्ला सिद्ध के करा वो फाय अहद जो कहो उसको पूरा करो अदाए अमानत दर के खयानत रहम बर यतीम हिफाजत हमसाया जब्त गुस्सा नरमी कलाम लुजूम इमाम तफक्कुफ कुरान हुब आखरत खौफ हिसाब आखरत गोताही आलू हुस्न अमल की वसीयत करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन चीज़ों पर नसीहतों पर अमल की तौफीक फरमाए। और मना करता हूँ इस बात से कि किसी मुस्लिम को बुरा भला कहे आखिर में भीगा किसी मुसलमान को बुरा भला मत कहो या किसी कादिब की तकजीब करे या किसी कादिब की तस्दीक करे झूठा आदमी है झूठ बात की तस्दीक है। हाँ मैं हाँ ना मिलाओ और शादी की ये भी ना होना चाहिए कि शादी की तकलीफ है या इमाम आदिल की नाफरमानी करे और फसाद फिर अर्द में हिस्सा ले अमाल अल्लाह का जिक्र कर अल्लाह का जिक्र कर हर शजर व हजर के करीब शजर हजर मेहता हजरत है इतफाक से टहते हुए ये रखे टहते हुए यहाँ से छोटी मस्जिद पीछे मस्जिद जाते कहाँ कम नमाज आज आओ यहाँ दूर का नमाज पढ़ लिया बड़े फार्म की बात है नया बड़े फार्म बना था उसे ताज्जुब होता है कि कभी इसी आओ दूर का नमाज पढ़ ताकि ये भी गवाही दे हम लोग नमाजी की इस सीजन के बड़े फार्म पहले ही वाले में बहुत याद है मुझको इशा की नमाज जरूर पढ़ते थे और क्या क्या करते थे इशा की नमाज टहल के आकर के दुर्गा फौरन तब उसके बाद कलाम करते थे। मुझे याद है कि हदीस है एक साहबी परेशान थे उन्होंने पूछा क्यों परेशान हो हजरत दोरे का नमाज पढ़ा नहीं पढ़ सका हूँ इस वजह से कहा अरे मैंने समझा कि तुम्हारा कोई बच्चा हो रहा गाय आए उसकी वजह परेशान थी तो बहुत खुश हुए इससे कोई मामूल छूट जाए तो हम लोग सब ताबीर कर लेते हैं लेकिन हाल ऐसा होना चाहिए कोई मामूल छूट गया कोई जिक्र छूट गया किसी से कोई बात हुई किसी के मानने जाने में कोताही हुई ये सब चीजें काबिल तौबा है। अहमद मैं तुझे तकवल्ला सिद्ध के कलाम वफाए अहद अदाए अमानत तर्क खयानत रहम बर यतीम हिफाजत हमसाया ज़ब्त गुस्सा नरमी कलाम बद सलाम लुजूम इमाम तफक्कुफ़ कुरान हुब्ब आखरत खौफ हिसाब आखरत कोताही आज़ू हुस्न अमल की वसीयत करता हूँ।
ख्वाजा महमूद मासूम, 7,000 खलीफा थे, पूरे हिंदुस्तान में काम किया इन्होंने। तो फारसी में था लेकिन तर्जुमा भी अच्छा किए गए। और मना करता है इस बात से कि किसी मुस्लिम को बुरा भला कहे, जबान न खोलो, किसी मुसलमान को बुरा भला मत। हमारे हजरत वगैरह का कभी जिक्र मैंने नहीं सुना मजलिस में किसी की बुराई, कभी मजलिस बिल्कुल पाक साफ, क्योंकि माहौल था शिकवा शिकायत कुछ कहते थे। मैं देख चुका हूँ, मैं यहाँ ही चलने नहीं दूंगा, सब डरे ही रहते थे कोई जबान से बात ना निकल जाए। हम लोग कभी मैंने भी नहीं सुना बोझा किसी की, वो जमाना बहुत ही हम हमी का था, लेकिन किसी की मतली मैंने बुलाई। और यही हाल हजरत मोहम्मद अहमद साहब का था, उनके तो बिल्कुल यही कुछ नहीं। हजरत तो सब जानते थे, मौलाना भी बड़े होशियार थे, नहीं बिल्कुल बोले और दूरंदेश। हाँ मोहम्मद अहमद साहब की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला दोनों बुजुर्गों को शफीक बना, शफकत और मोहब्बत का मामला फरमा देते। अल्लाह ताला वहाँ की रुसवाई से महफूज कर गए। खूब आखरत खौफ है, हिसाब है आखरत, खौफ है हिसाब है। मैंने देखा है अल्लाह ताला मुझसे दोनों ने कहा कि मैंने पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसके जवाब में ये कि वो जो तुमने कहा था कि दूध पिया था इस वजह से दर्द हो गया था, बयान किया पहले, दूध पिया था इस वजह से मेरे पेट में दर्द हो गया, ये तो दुई दुई की बात है। मैं खामोश हो गया, हुआ यह है मैं निकल करता भी हूँ। कहते हैं तफक्कुर फिल कुरान हुब्बे आखरत खौफे हिसाब आखरत को होता ही आजू से अमल की वसीयत करता हूँ। और मना करता हूँ इस बात से कि किसी मसले को बुरा भला कहे नहीं, और बुरा भला इस बात से कि किसी मुस्लिम को बुरा भला कहे या किसी सादिक की तकलीफ करे, हाँ नहीं करने में भी एहतियात करना चाहिए। कोई गलत बात कह रहा है, आपने उसकी ताई कर दिया, तस्दीक कर दिया कि इससे मना कर रहे हैं, या किसी काजी की तस्दीक करे, तस्दीक करे और सादिक की तकलीफ करे, या इमाम आदिल की नाफरमानी करे और फसाद फिर अर्ज में हिस्सा ले। आज मुसलमान थोड़ी सी बातों में फसाद में फिर पेश पेश हो जाते हैं। देखिए मुझसे बहुत अच्छा है, अरे बात अल्लाह का जिक्र कर। हम लोग गए इसी से हजरत थे तो पैदल ही थे, वही क्या सूरत थी कोई मजबूर आओ को मेहमान दूर कर नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं। स्टेशन के पहले अभी नए नए बना थे, आओ को मेहमान नमाज पढ़ रहे हैं दूर का, ये गवाही देगी हम लोग नमाज पढ़ने को। हजरत में भी मैंने देखा हजरत को बहुत ही लजाजत से दुआ करते हुए सरदा में गए थे हजरत हमारे घर, हम छोटे छोटे थे तो जिस जहाँ ठहराए गए तो वही सजदा कर रहे थे हजरत, नमाज ईशा को पढ़ रहे थे। तो सजदे में नहाय लजाजत से रो रहे थे जो, तो मैं बहुत छोटा देखा, मैंने कहा ऐसे में बुजुर्ग लोग भी रोते हैं सजदे में, मेरे देर में आएगा इतने बड़े बुजुर्ग आदमी ये रोते हैं, पता इनको देती मेरी दौलत खाली हंस ही रहना चाहिए। तो उसमें छोटा था मैं, बिल्कुल घर की बात है, अपने घर मेरे यहाँ काम था हजरत, तो मेरे दिल में आया कह इतने में बुजुर्ग लोग भी रोते हैं। महाराज शाह साहब से लग रहे थे अजीब हाल है हजरत का,
इख्वाए हाल का अजीब हाल है। इख्वाए हाल कहते हैं आंसू आता है इनके आंखों में और वही जज्ब कर लेते हैं, आगे ले नहीं पाए, इजहार न होने पाए, कह पाए आंखें में आंसू ये उनकी बात है। अब आंसू कहा या पानी कहा, उन्होंने आंसू उनके आंखों में आता है, करीब है कि गिरे, लेकिन वहीं से जब्त कर लेते हैं, बिल्कुल पता नहीं देते कि हमारा क्या हाल है। इख्वाए हाल पर कहते हैं बोलिए शायद देवन बहुत ऐसा ने हमें वैसे अपना हाल लिखा उन्होंने खत में, अच्छे हाल आता हमें सारी दी, बहुत अच्छा हाल, हमने तो खुश हुए बहुत अच्छा हाल है। हजरत ने नीचे लिख दिया अखलाक का क्या हाल है, खुदूत देखिए तो पता चले, हमारी खुदूत कभी देख लीजिए, उन्होंने हम लोग को बनाने में कोई कसर नहीं उठा रही, न रात को न दिन को, सुबह बुलाते तहजूद में उमूमन, और सख्ती का मामला उसी को करते थे, भाई साहब के साथ भी हमारे साथ भाई उनके साथ भी हमने सख्ती का मामला देखा, वो भी डटे रहे हैं, खून दिल पर कहते थे आओ खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, ये गजा मिलती है जाना तेरे दीवाने को, जामी साहब भी उस्ताद थे लेकिन बिल्कुल मिले जुले रहते थे, बयान करते थे पानी साहब बिगड़ जाते थे, था एक हजरत का हाल था उसमें किसी की परवाह नहीं, खून दिल पीने को लखते जिगर खाने को, ये गदा मिलती है जाना तेरे दीवाने को। हजरत थानवी के साथ भी हजरत का मामला सख्ती ही का था, बहुत ज्यादा बात सख्त हाथों ने तरबियत की हमारी, अल्लाह ताला सब कितनी बात है, जब्त है पादत रहम बर यतीम और हिफाजत हमसाया, जब्त गुस्सा नरमी कलाम बजल सलाम लजूम इमाम तफक्कु फिल कुरान हुब्बे आखरत खौफ हिसाब आखरत को की कोताही आदू हुस्न अमल की वसीयत करता हूँ, एक ही जगह सब ले लिया ख्वाजा मोहम्मद मासूम बहुत जबरदस्त आलिम भी थे और मुजद्दिद साहब के साथ, अगर फरमाते थे मुजद्दिद साहब जो काम अपना अधूरा छोड़ के गए थे ख्वाजा मोहम्मद मासूम ने उसको पूरा कर दिया उनकी मकतूबात, मेरे ख्याल है रिस्क के मामले में भी कोई था अच्छा तंगी थी, मैंने खास तौर से देखा कि ये सब हदायत है क्या हाल था, तो तंगी ही सी गुजारा पकड़ो फाका में गुजारा, अंदाजे सी मुझे खास तौर से इसको मर पाएंगे वो हाल क्या था। बहरहाल नाहक आरजू और हुस्न अमल की वसीयत करता हूँ और मना करता हूँ इस बात से कि किसी मुस्लिम को बुरा भला कहे, मतलब बनाए शायद बनाए बहुत बदल, फरमाते थे कि यूं गीबत तो हराम ही है लेकिन किसी सालेह की गीबत उसकी गीबत की बुराई में अहमियत है, कई गुना
नेक आदमी की होटलों को बैठ कर नेकों की गिबत ना करो, ये फायदा थोड़ा तुम्हारा बात। मुस्लिम को बुला या किसी कादी की तस्दीक मत करो, सादी की तरह इमाम आदिल की नाफरमानी ना करो, इमाम आदिल है। फसाद फिर अर्ध वहसन ए माल, अल्लाह का जिक्र कर, है कि नहीं, अब भी अमल कर ले, ये नहीं कि एक मत सुन लिया दो चार साल में ए माल अल्लाह का, यह अहम किताब है, इसको हजरत अक्सर सुनाया करते, अक्सर सुनाया करते, ए माल अल्लाह का जिक्र कर हर शजर व हजर के करीब, हर शजर है मैं था हजरत थे, निकल गए थे कहीं पैदल ही थे, तीसरी सन अभी बढ़ ही रहते थे, तो जो उसके पहले ही आओ कमलवान दूर का नमाज पढ़ लिया जाए ताकि ये भी गवाही देगी हम लोग को, मुझे हजरत ने दूर का नमाज पढ़ लिया नमाज कमलवान आओ पढ़ लिया दूर का, पैदल थे इसी से अभी उम्र ना थे उसके पहले ही बोले आओ कमलवान दूर का नमाज पढ़ लिया जाए ये भी गवाही देगी तभी। ऐ माल अल्लाह का जिक्र कर हर शजर व हजर के करीब, हर गुनाह की तौबा, हर गुनाह की तौबा कर, खा गुनाह पोशीदा हो अलानिया हो, रवाहुल बैहक़ी उनकी रवायत है, नकल किया है। हिसाब आखरत कोताही आदू और हुस्न अमल की वसीयत करता हूँ, हुस्न अमल, और मना करता हूँ इस बात से कि किसी मुस्लिम को बुरा भला कहे या किसी कादिब की तस्दीक करे और सादिक की तकदीब करे या इमाम आदिल की नाफरमानी करे और फसाद फिर अर्द में हिस्सा ले, अहमाद अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह दुआ कीजिए दिल से अल्लाह का नाम लिए, एक मतो काफी है, यो तो करते हैं हजारों नाले और फरियाद हम, बस है अपना एक नाला भी अगर पहुँचेगा, यूँ तो करते हैं हजारों नाले और फरियाद हम, अहमाद अल्लाह का जिक्र कर हर शजर व हजर के करीब और हर गुनाह की तौबा कर, पोशीदा गुनाह की पोशीदा तौर पर तौबा कर और ऐलानिया गुनाह की ऐलानिया तौर पर तौबा कर, रवाहुल बैहक़ी, देखिए बैहक़ी की रवायत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मैं खादिम को कितनी मरतबा माफ किया करूं, करती करते हैं बस सुकूत में आया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उस शख्स ने अर्ज किया कि कितनी मरतबा माफ करूं, तो फरमाया कि एक दिन में 70 मरतबा, ये भी है अखलाक है। रवाहु मुस्लिम भी सही, मुस्लिम ने रवायत किया है, कि बुजुर्ग का मकूला बोला नहीं, बहुत आकाब लिख करके लिख रहे हैं। इजहार नियाजमंदी व खाकसारी करते हुए नियमत अमन व अमान और रौनक इस्लाम और कुवत शायर इस्लाम के जहूर पर शुक्र शाकिर है, शुक्र अदा करता है,
अच्छे हाल रहेंगे। नींद आपके लिए और दरादी उम्र शौकत व ज़फ़र और नुसरत की दुआ है। ज़ाविये नामुरादी और गोशे शिकस्तगी में दरवेशों के साथ ये करता रहा। दुआ अपने ज़ाविये नामुरादी और गोशे शिकस्तगी में दरवेशों के साथ करता रहा। क्योंकि ये दुआ खुलूस से दिल से है और पसे पुस है, इसे उम्मीद है कि करीब कबूलत होगी। आफ्ताब दौलत व सरतबर तबाबाद बिन नबी उम्मी अल्लाह हुजूर के तुफेल में सब चीज़ें जिंदा रहे। मुतवज्जह किया है आखिर की तरफ और अल्लाह के जिक्र की तरफ, अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जह किया। हर खत में ऐसे ही है, कोई दुनिया की बात नहीं, बहुत तीन जिल्दों में है, ये तो पहली जिल्द है। बराबर चूँकि हदस सुनाते थे, ये मनून ऐसा है कि हर मजलिस का मनून मुफीद होता है मजलिस के लोगों को। बड़े शान से बड़े मज़ से सुनाते थे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने और उसके मुताबिक रहने की तौफीक और कबूल फरमा। दुआ भी कर लीजिए, अल्लाह सिलसिला यही रहता है, दुआ कीजिए सिलसिला बाकी रहे, इखलास के साथ बाकी रहे। आने वालों के लिए भी अल्लाह ताला आना जाना भी आसान फरमा दे, इस पर अमल करना भी आसान फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा तजावस अन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.